नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर आपके लिए खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। आप सुन रहे हैं ये हमारा कार्यक्रम himachalabhyabhi.com पर, और एक बार फिर से हाजिर हुई हूं आपके लिए लेकर ये खास कार्यक्रम। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह से कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हर मन में होते हैं कुछ सपने, और उन सपनों में होते हैं बहुत से उम्मीदें, बहुत से हौसले, बहुत से किस्से और बहुत सारी कोशिश। और ये जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं ना, ये सपने उन बंद आंखों से देखे हुए सपनों से कहीं ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत होते हैं। ये वही सपने होते हैं जो हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखते रहिए, लेकिन हाँ, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी आपको ही करनी है। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उसे हासिल करने के लिए आपके बुलंद हौसले और आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। तो बात करेंगे अब आज के इतिहास की, जो हम रोजाना करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको आज का इतिहास बताते हैं कि आज के दिन क्या कुछ इतिहास में खास घटनाएं हुई थी। तो आपको बता दूं कि 1811 में आज ही के दिन आइजैक मैरिन सिंगर ने दुनिया में जन्म लिया था। उन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। बात करें 1920 की, तो देश के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण का जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें 1947 की, तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को आज ही के दिन स्वीकार किया था। वही बात करें 1952 की, तो आज ही के दिन भजनों के साथ अपनी खास पहचान बनाने वाली सिंगर अनुराधा पौडवाल का जन्म हुआ था। बात करें 2003 की, तो आज ही के दिन चीन में भयानक भूकंप आया था जिसमें 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। तो ये है आज के इतिहास की कुछ खास जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। अब इसके बाद कार्यक्रम में आगे चलते हुए आपको बताने जा रही हूँ आज की टॉप 7 न्यूज। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। अमेरिका के हवाई हमले में सीरिया के अलकायदा के 7 नेताओं की मौत हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में अलकायदा के 7 वरिष्ठ नेताओं को पिछले हफ्ते हवाई हमले में मार दिया गया, क्योंकि नेताओं ने इदलिब के पास बैठक कर रहे थे। US मध्य कमान ने जानकारी दी। मध्य कमान के प्रवक्ता मेजर वेथ रियोडन ने कहा है कि पड़ताल का आयोजन 22 अक्टूबर को किया गया था। उन्होंने 7 नेताओं की पहचान नहीं की। उन्होंने कहा कि इन अलकायदा नेताओं को हटाने से आतंकवादी संगठनों को अमेरिकी नागरिकों, हमारे सहयोगियों और निर्दोष नागरिकों को धमकाने और वैश्विक हमलों को अंजाम देने की क्षमता बाधित होगी। वही रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि नासा की बड़ी कामयाबी के बारे में है। नासा की बड़ी कामयाबी, चंद्रमा की सतह पर खोजा पानी, इंसानी बस्तियां बसाई जा सकेंगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजने का दावा किया है। नासा के स्टेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने इस बात की पुष्टि की है कि पहली बार चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले क्षेत्र में पानी की खोज की गई है। इस खोज में यह साफ हो जाता है कि पानी को चंद्रमा की सतह पर वितरित किया जा सकता है, और ये सिर्फ ठंड या छाया वाले स्थानों तक सीमित नहीं है। SOFIA ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं H2O का पता लगाया है। तो ये थी नासा की बड़ी उपलब्धि जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है वो अटल पेंशन योजना से संबंधित है। अब बिना नेट बैंकिंग के खोल सकते हैं अटल पेंशन योजना खाता। जिन लोगों के पास बैंक खाता है लेकिन वे नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए अटल पेंशन योजना खाता खोलना जल्द ही आसान हो जाएगा। अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबरों को ऑनलाइन बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा अटल पेंशन योजना POP को उनके मौजूदा बचत खाता धारकों के ऑनलाइन खाता धारकों के ऑनबोर्डिंग के वास्ते एक वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। नए चैनल के तहत कोई भी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का प्रयोग किए बिना
PVI खाता उपयोग के बिना APY खाता खोल सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल में स्कूल को खोलने और कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का फैसला आज हो सकता है। आज सचिवालय में CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक रहेगी, जिसमें कई एजेंडों पर मंथन होगा। उपभोक्ताओं को घर द्वार पर सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए 50 राशन कार्डों पर भी डिपो खोलने और प्याज की आसमान छूती कीमतों पर मंथन किया जाएगा। सरकार ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे प्याज के भाव पर नजर रखें। प्रतिदिन प्याज के दाम सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। सरकार डिपो में भी आलू और प्याज बेचने पर विचार कर रही है। वहीं अगली खबर जो है वो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से संबंधित है। ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका, ग्रामीण बैंकों में 8,424 सरकारी नौकरियां, हिमाचल में भी होगी भर्ती। अगर आप ग्रेजुएट हैं और किसी सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम आ सकती है। दरअसल IBPS, RRB, क्लर्क और ऑफिसर भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से एक बार फिर ओपन हो गई है। कुल 8,424 पदों के लिए उम्मीदवार IBPS एप्लीकेशन पोर्टल IBPSonline.IBPS.in पर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी 8,424 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को फिर से ओपन करने की घोषणा हाल ही में 21 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट के माध्यम से की थी। इन पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि 9 नवंबर तय की गई है। तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप आवेदन 9 नवंबर तक कर सकते हैं। बात करेंगे अब मनोरंजन की दुनिया की। मनोरंजन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तो आज की जो खबर मनोरंजन की दुनिया से हमने ली है, वो खबर है मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर से संबंधित। करीना कपूर ने साझा की शाहिद कपूर के साथ अपनी 13 साल पुरानी तस्वीर। अभिनेता शाहिद कपूर और करीना कपूर की प्रेम कहानी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि इन दोनों कलाकारों ने केवल एक साथ ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इन दोनों कलाकारों ने न केवल साथ कई फिल्में की, बल्कि इनकी प्रेम कहानी के भी कई किस्से हैं। शाहिद कपूर और करीना कैफ, शाहिद कपूर और करीना खान की सुपरहिट फिल्म जब भी मैच ने 13 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी फिल्म के 13 साल पूरे होने पर अभिनेत्री करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट साझा की है। करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली एक अभिनेत्री हैं। वे अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर कुछ खास तस्वीरें और वीडियोस अपनी जिंदगी के बारे में खुलासे करते हुए शेयर करती रहती हैं। तस्वीर को साझा करते हुए करीना कपूर ने खास पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, मुझे तो लगता है जिंदगी में जो कुछ इंसान असल में चाहता है, वास्तव में उसे वही मिलता है। जबकि शाहिद और करीना दोनों की फैंस काफी ज्यादा इस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। बात करते हैं अब खेल की दुनिया की। खेल की दुनिया में जो मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के फैंस हैं, उनके लिए ये खबर थोड़ी मूड खराब करने वाली हो सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन में इस वक्त मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम टॉप पर चल रही है। टीम को इस बार भी टूर्नामेंट जीतने का दावेदार माना जा रहा है। प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी मुंबई के फैंस के लिए बुरी खबर है। टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा मौजूदा सीजन से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी हुए नहीं हैं, लेकिन उनके बाहर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वे घुटने की चोट से उबर रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात UAE में जारी IPL के 13वें सत्र में भी बाहर हो सकते हैं। तीनों फॉर्मेट की टीम के लिए घोषित टीम में रोहित शर्मा का नाम शामिल नहीं किया गया है। टीम चयन के बाद मुख्य चयनकर्ता ने इस बात को बताया कि मुंबई के कप्तान की चोट जो है वो काफी गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चुनी गई टीम में रोहित का नहीं होने का मतलब है कि अभी तक रोहित जो है वो फिट नहीं है। ये बात अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अगर होता है तो रोहित के फैंस के लिए बड़ा झटका होगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।